श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जय माता दी, माता रानी, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट रचना में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मणिलिंग शिवपुराण कथा बालोद छत्तीसगढ़ में गुरुजी द्वारा बांची जा रही है, जो कि आज दूसरे दिवसीय की कथा संपन्न हो गई है। और ये कथा पांच दिवसीय की है, पांच दिवसीय चलने वाली है। दो दिन की कथा संपन्न हो चुकी है। तो आज गुरुजी ने बहुत ही रोचक भरी जानकारियाँ दी, जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। अगर कोई कारणवश आप लोगों ने पूरी कथा नहीं सुनी हो, तो मैं पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दूंगी। जब आप लोग कथा सुनने आए, तो उसमें सबसे पहले मंदिर जाएं। गुरु जी का सबसे पहला जो कि बताया हुआ था, जैसे कि अभी बालोद छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, तो गुरु जी ने उन लोगों से कहा कि आप लोग जब कथा सुनने आते हो, तो सबसे पहले कथा सुनने से पहले आप मंदिर जाओ। जैसे शिवालय आसपास में कोई शिवालय हो या घर में ही जो भी हो, तो वहां जाओ और वहां शिव जी पे जल समर्पित करो। और जल जो जलाधारी से लाते हो, थोड़ा सा जल लेकर के आओ, उस जल को अपने घर में छिड़क दें। और थोड़ा सा कथा जहाँ सुनने आते, कथा पंडाल में भी लेते हैं, और जहाँ पे आप पानी सब लोग पीते हैं, उस पानी में थोड़ा सा वो जल डाल दें। उसका क्या फल है मैं भी नहीं बता सकता, गुरु जी का कहना है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो राम कुमार जी का पत्र है, बहुत सी बहुत रोचक भरी जानकारी है, जो कि एक विशेष जानकारी है। मैं वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो के अंत में वो जानकारी जरूर दूंगी। तो आज राम कुमार जी वर्मा का एक पत्र आया है, जो कि छत्तीसगढ़ से ही थे। 2019 में राम कुमार जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, भारी बीमारी हो गई। डॉक्टर से दिखा के थक गए, हर एक जगह गए। किसी ने कहा गुरु जी का कथा सुनो। उन्होंने रायपुर, बालोद, छत्तीसगढ़, ओमकारेश्वर, जहाँ जहाँ भी सीहोर, जहाँ भी गुरु जी का कथा होता था, उन्होंने जाना प्रारंभ किया। और वो वहाँ जाते थे और उन्होंने ठान ली थी कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ, तब तक मैं गुरु जी का कथा सुनता रहूँगा। जहाँ भी कथा होती थी, ठीक वहाँ वो पहुँच जाते थे। और कथा सुनने मात्र से ही उनकी तबीयत ठीक हो गई। इतनी मोटी फाइल लेकर के वो आए थे, कथा पंडाल में वो जमा किए थे, पत्र में सारी फाइलें आज गुरु जी ने दिखाई कि देखो कितनी सारी मोटी, डॉक्टर की सारी फाइलें दिखाए, और वो कथा सुनने मात्र से वो ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। तो अब गुरु जी का कहना है कि अपने रसोई में किसी अन्य किसी आदमी को, किसी को भी अपने रसोई में घुसने ना दें, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का अनादर होता है, अपमान होता है। अपने परिवार का कोई भी सदस्य हो जा सकते हो, लेकिन खुद ही खाना बनाए, अपने परिवार के लिए खुद ही खाना बनाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि खाना बनाते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए, जैसे कि फोन पे बात करना या किसी और अन्य चीज दिमाग में चल रहा है कुछ भी, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। प्रेम से खाना बनाना चाहिए, और खाना बनाते समय बाबा का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए खाना बनाए। फिर देखिए खाने का स्वाद क्या होता है। गुरु जी बताए, पहली रोटी माँ के हाथ का, दूसरी रोटी पत्नी की हाथ का, तीसरी रोटी बच्चे के हाथ का, और चौथी रोटी काम वाली बाई के हाथ का। अब आप देखो किस रोटी में स्वाद है, किस रोटी में कितना दम है। तो गुरुजी का कहना है कि जितना स्वाद अपने आदमी के अपने आप के हाथ में आ रहता है, वो किसी दाई के हाथ में नहीं रहता है। तो गुरुजी ने अब अगली जो बताई है बातें, वो शिवलिंग से जुड़ी हुई है। तो शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा, किसी ने कथा के पंडाल में गुरुजी से पूछा कि शिवलिंग आज मेरे घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा है। तो गुरुजी का कहना है कि शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। तो भोलेनाथ तो खुद दूसरे को प्राण देते हैं, तो भोलेनाथ को कौन प्राण दे सकता है। प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है। तो उन्होंने बताया शिवलिंग चार तरह के होते हैं। तो पहली शिवलिंग जो होती है वो क्या है, प्रतिष्ठित शिवलिंग जो बोले गुरुजी, तो उसे प्रतिष्ठित शिवलिंग बोल सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं बोल सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में होती है, जैसे दुर्गा माँ का मूर्ति हो गया या किसी अन्य का मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होता है, शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। दूसरे नंबर पे जो शिवलिंग है, स्वयं शंभु शिवलिंग, कौन सा है, स्वयं शंभु शिवलिंग है, जो कि अब बोलिएगा कि स्वयं शंभु शिवलिंग
किसे बोलते हैं, तो गुरुजी ने बताए हैं जो खुद प्रकट हुए हो, जैसे पेड़ के नीचे जमीन से अगर गड्ढा खोद रहे हो तो जमीन से जो शिवलिंग निकली हुई है या कहीं से खुद प्रकट होती है वो शिवलिंग स्वयं शंभु शिवलिंग बोलते हैं, स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। तो तीसरे नंबर में जो शिवलिंग का मतलब है उपशिवलिंग, उपशिवलिंग जो कि जिसको खुद उत्पन्न होता है उसे उपशिवलिंग बोलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में जैसे उसे उपशिवलिंग बोलते हैं उसमें से एक होती है उपशिवलिंग। चौथे नंबर पे जो होती है ज्योतिर्लिंग, तो घर में जो शिवलिंग आप 1000 बार जल चढ़ाते हो उसका फल मिलता है वो मात्र स्वयंभू शिवलिंग पे 1 बार जल चढ़ाने से मिल जाता है। क्या समझे, घर में आप जो शिवलिंग रखे हो उस पे आप 1000 बार जल चढ़ाओगे और स्वयंभू शिवलिंग पे मात्र 1 बार जल चढ़ाने से उसका फल उतना मिल जाता है। स्वयंभू शिवलिंग अभी भी मैंने बताया, फिर बता रही हूँ, जो खुद प्रकट हुआ है पेड़ के नीचे हो या कहीं और हो उसे स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। अगली उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पेट से जुड़ी जो भी रोग परेशानियां हो एक नियम बना लो, भोजन करने के बाद अपने हृदय पर हाथ रखकर ओम का नाद करो, आपका भोजन पचेगा, पेट से जुड़ी सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जो पत्र आई है साहू जी का पत्र आया, उन्होंने पढ़ा है, गुरु जी ने कहा है कि मैं क्या वर्णन करूं, गुरुदेव तिल्डा नेवरा की कथा सुनी, मेरी बहन की नौकरी नहीं लग रही थी, मैंने कहा अपनी बहन से तू भी आ जा बता बाबा की कथा सुन, दूसरे दिन की कथा सुनी और पशुपति व्रत किया, उनका जो रिजल्ट अटका हुआ था रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं थी, आज वो रिजल्ट मुझे मिल गया और मैं टीचर बन गई, मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ गुरुदेव। तो अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। चिंकी शर्मा का पत्र आया था भोपाल से, उन्होंने कहा मैं क्या बोलूं, आपकी एक बेलपत्री शहद लगा के चढ़ाने लगी, परीक्षा दी, मैं सीए की नौकरी में हूं, मैं बाबा का क्या वर्णन कर सकती हूं गुरुदेव। जब आपको सब देखते हैं तो टोटके वाले बाबा बोलते हैं पर मैं आपका क्या वर्णन करूं, आज आपकी कृपा से सीए के पोस्ट पर हूं, मैं विश्वास करके शहद और एक बेलपत्री में शहद लगा के भोले बाबा को चढ़ाने लगी और मैं सीए के पोस्ट पे हूं आज मैं।